Hello students, to solve linear Diophantine equation by using congruence. बेटा मैं Diophantine equation, linear Diophantine equation लिखी बेटा क्या है ax plus by equal to c. Using congruence बेटा ax congruent c mod b. Okay, ax congruent c mod b. बेटा has a solution. हमने पढ़ा बेटा हैज ए सॉल्यूशन इफ ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी एंड डी डिवाइड सी. लेट एक्स नॉट ले लिया बेटा इसका सॉल्यूशन, देन ए एक्स नॉट कॉन्करेंट सी मोर बी, देन सब्ट्रैक्ट ए एक्स माइनस एक्स नॉट कॉन्करेंट जीरो मोर बी. सो बी डिवाइड ए x माइनस एक्स नॉट. और यहां पे बेटा देखो d डिवाइड a d डिवाइड b, a इक्वल टू ए वन डी, बी इक्वल टू बी वन डी. ए वन बी वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन, यहां पे पुट करो बेटा ए वन बी वन डी डिवाइड ए वन डी एक्स माइनस एक्स नॉट. बी वन और ए वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है वन. So b1 divide x minus x naught, x minus x naught b naught b1 t, then x equal to x naught plus b1 t. और b1 की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे bt upon t. तो ये जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला था ना पहले बेटा Diophantine इक्वेशन में. अब पुट इन वन, इसे पुट कीजिए आप by equal to c minus a x naught, sorry a x. x की वैल्यू क्या है बेटा देखो y equal to c minus a x naught plus b t upon d. okay, मेरे पास ये आ गया बेटा. then y equal to c upon b minus a x naught माइनस ए बी टी बाय बी डी. बी के साथ बी क्या हो गया बेटा कैंसर. तो मेरे पास क्या रहा बेटा देखो सी, बेटा मिस्टेक हुई है, बी वाई इक्वल टू सी माइनस ए एक्स एक्स नॉट प्लस बी टी वाई टी सी पॉन बी. यहाँ पे बी आना था बेटा, बी के साथ डिवाइड किया. तो मेरे पास c माइनस ए एक्स नॉट बाय बी माइनस ए टी पॉन डी. तो याद है उसमें हम क्या लिखते हैं इसको y नॉट. आप Diophantine इक्वेशन का मेरा रिजल्ट पढ़ोगे तो आप प्रूफ भी क्या है. तो ये क्या आ गया x, ये क्या आ गया y यूजिंग कॉन्फ्रेंस. तो इसके साथ रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ, ये क्या आ गया इसके जनरल सोल्यूशन आ गया एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू. तो बेटा ऐसे आपने सॉल्व करना है कॉन्करेंस को यूजिंग कॉन्करेंस लीनियर Diophantine इक्वेशन. जैसे बेटा मैंने ये लिखी है इक्वेशन 14x सॉरी 4x प्लस 51y इक्वल टू 9. ठीक है, यूजिंग कॉन्करेंस वहां पे लिख के आ गया यूजिंग कॉन्करेंस. तो हमने कैसे करना है देखो बेटा 4 मैंने यहाँ पे रिजल्ट किया ए बी का कॉमन डिवाइजर डी डी डिवाइड सी. 4, 40, 51 का कॉमन डिवाइजर 1, 1 डिवाइड 9. तो इसका सॉल्यूशन तो है. तो हम क्या लिखेंगे जैसे यहाँ पे किया है 4x कॉन्करेंट 9 मोड 51. ओके, 0 कॉन्करेंस 51 मोड 51. तो यहाँ पे ऐड कर लो 4x कॉन्करेंट 90 मोड 51. तो x कॉन्करेंट 15 more 15, sorry 15 नहीं, 4 कितना 15, 60 आना था यहाँ पे. तो 15 more 50, तो x नोट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50. ओके, यदि x नोट की वैल्यू आ गई अब यहाँ पे y नोट की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हो c minus a x नोट by b. आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो ट्रैक्ट. देखो ये आप यहाँ पे पुट करना है, आपको रिजल्ट याद करना पड़ेगा. आप यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी. देखो सेम ही है ना, ये देखो c क्या है 9 माइनस a कितना है 4, x की वैल्यू 15 अपॉन 51.
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस। ओके, जैसे बेटा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वो क्या है 48x प्लस 7y इक्वल टू 70। तो कैसे लिखेंगे बेटा 48x कॉन्करेंट 17 मोड 7, और 48 किसके साथ कॉन्करेंट है 1, तो माइनस एक्स कॉन्करेंट 17 मोड 7। देखो बेटा 48 किसके साथ कॉन्करेंट है माइनस 1 मोड 7, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स कॉन्करेंट माइनस 17 मोड 7। ओके, तो 17 को क्या लिखेंगे बेटा एक्स कॉन्करेंट 4 मोड 7, बिकॉज माइनस 17 किसके साथ कॉन्करेंट हो गया 4 के साथ, तो x नोड की वैल्यू क्या आ गई 4। आप यहाँ पे पुट करो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा यदि हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लीनियर टाइप फंटाइन इक्वेशन में हमें कितने वेरिएबल दिए हैं बेटा 3, तो उसको कैसे सॉल्व करना है आपने बेटा, एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। यदि टाइप फंटाइन इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आ गए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के। ओके, ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी सी का डी या डी के को डिवाइड करा दिस इक्वेशन एज ए सॉल्यूशन। तो हमें कैसे करना है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 34। तो 3, 2, 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 1 डिवाइड 34, देन दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। तो आपने पहले टू वेरिएबल में चेंज कर लेना बेटा 3x माइनस 2y कॉन्करेंट 34 मोड 4। ओके, ये लिख लिया बेटा मैंने। अब देखो 3 किसके साथ कॉन्करेंट है बेटा माइनस 1 मोड 4, तो इसको लिख लो माइनस एक्स। ओके, और माइनस 2 किसके साथ कॉन्करेंट है 2 मोड 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2y कॉन्करेंट। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई बेटा माइनस 2, 34 किस का कॉन्करेंट है बेटा। ओके, x माइनस 2y कॉन्करेंट 2 मोड 4। ओके बेटा, मेरे पास ये सॉल्यूशन बना बेटा, तो 4 डिवाइड x माइनस 2y माइनस 2, x माइनस 2y माइनस 2 4n, x इक्वल टू 4n प्लस 2y प्लस 2। टेक बेटा y को मैंने m ले लिया, कोई ना कोई इंटीजर है बेटा, y की वैल्यू मैंने m कंसीडर कर ली, तो x किसके इक्वल है 4n प्लस 2n प्लस 2। अब x की वैल्यू भी आ गई बेटा मेरे पास y की, यहाँ पुट करो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा z। तो ऐसे आपने निकालना है बेटा। नेक्स्ट बेटा मैं शुरू करूंगा बेटा, नेक्स्ट में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव आता है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।